वी स्टार्टेड दिस वैक्सीनेशन ऑन सिक्सटीन ऑफ फैब सिक्सटीन ऑफ़ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैड इोग्रेट दिस वैक्सीनेशन ड्राइव अक्रॉस कंट्री तो इसमें दो किस्म के वैक्सीन हैं कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है दोनों इक्वली इफेक्टिव है दोनों बहुत ट्रायल के बाद ही यूज हुए हैं तो so, हमने अभी तक जहाँ तक डेटा है सेवेंटी परसेंट हमने हेल्थ केयर वर्कर्स को अभी तक वैक्सीनेट किया है और फिफ्टी सेवन टू फिफ्टी नाइन परसेंट फ्रंटलाइन वर्कर्स सेकेंड डोज वाला अभी स्टार्ट किया है हमने तो मगर सेकेंड डोज का मार्जिन बड़ा है कि इट इज़ फोर टू ट्वेल्व वीक्स सो इट इज़ अ स्वीट चॉइस कि कब फ्री होगा कोई कभी भी लगाएगा तो उनको भी हमने कवर किया है तो नाउ वी आर स्टार्टिंग फॉर जनरल पॉपुलेशन लेकिन दिस जनरल पॉपुलेशन में मतलब दिस इज़ टू बी अंडरस्टूड वेरी नाइ क्लियरली इट इज एज अप्रोप्रियट अभी हमारा पहला फेज जो है ये है सिक्सटी अबो एवरीबडी इर ऑफ एनी को मॉर्बिडिटी दैट इज टू बी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली कोई भी प्रॉब्लम ना हो साठ से ऊपर एज है ही कैन गेट अब वो कैसे रजिस्टर करेगा देर आर टू वेज एंड्रॉयड ऐप है डाउनलोड करनी है या आरोग्य सेतु थी ना एक पुरानी ऐप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं या इसके लिंक्स भी आ गए हैं कोई भी यूज़र अपने फ़ोन से डाउनलोड करें उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है आधार डालना है पैन डालना अगर होगा अगर वो भी नहीं होगा तो आइडेंटिटी कार्ड डालना है तो लेकिन अगर आप आधार के बगैर कोई और आइडेंटिटी डालोगे तो उसमें आपको अपना फोटो भी डालना है अगर आधार डालोगे तो फिर आपको फ़ोटो नहीं डालना है तो उसके बाद आपको सिक्सटी से प्लस वाले को बहुत सिंपल सा फॉर्म है वंस ही प्रूव्स इट ही गेट्स रजिस्टर्ड ही विल गो टू एनी प्लेस अपना नाम बता देगा ये नंबर बता देगा वहाँ पे अपना जो वैक्सीनेटर होगा वेरीफायर होगा वो देख लेगा ही विल गेट वैक्सीनेटेड

वहां पे उसको जो डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं वो दिखा के उसी वक्त एनरोल होगा फिर उसकी मर्जी है वो उसी वक्त अपने आप को वैक्सीन वैक्सीनेट कराए या नेक्स्ट टाइम पे कराए दिस इज फॉर सिक्सटी प्लस तो उसके लिए चाहे वो घर से करे या वहाँ करे अगर उसका ये हैंडी है कि उसके पास स्मार्टफोन नहीं है वी आर देयर टू हेल्प हिम एंड वी आर रेडी टू गेट हिम वैक्सीनेटेड आफ्टर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन द अदर इज फोर्टी टू फॉ फिफ्टी ये इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना बिकॉज वी आर गेटिंग लॉट ऑफ कॉल्स पीपल आर थिंकिंग हु इन दिस ब्रैकेट इज एलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन नो दैट इज नॉट ए फैक्ट फैक्ट इज दिस इज फोर्टी फाइव टू फिफ्टी नाइन विथ कोमॉर्बिडिटी और लोगों को एक और गलत फेमी है एनी बडी विथ डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन ही इज कोमॉर्बिड दिस ऐप दिस डजेंट बिलीव इन दैट इसमें क्लियर कट फॉर्मेट है इसमें एक क्लियर कट फॉर्मेट है कि कोमोर्बिडिटी में क्या क्या आता है जैसे हमारे पास स्ट्रोक uh, uh, है वो भी है इसमें अगर किसी की कीमोथेरेपी चल रहा है मल्टीपल माइलोमा है मतलब एंड देन ही हीज टू प्रूव इट हिज डॉक्टर हैज़ टू सर्टिफाइड उसको हमने चढ़ाना है उस पर ऐप एक्सेप्ट करेगी तो वी आर रेडी टू वैक्सीनेट हिम इसके भी वही दो प्रोसेस हैं आइदर ही डज इट एट होम और ही इफ़ ही डजेंट हैव अ स्मार्टफोन ही कैन कम टू आर वैक्सीनेशन साइट विच इज़ नियरस्ट टू हिज होम जो भी उसके आगे पीछे है तो वहाँ पर जाएगा

तो कौन कौन सी कैटेगरी में वो वो आते हैं हैं से से एज से वो ले सकते से मैं बताता तो हूं। देखो सबसे इम्पोर्टेंट पहले क्या किया हमने हेल्थ केयर वर्कर्स बिकॉज दे आर द द पीपल हु आर एट हेल्थ दीपल को सेटल क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्रंट उन पर ही था उनको जब हमने सेटल कर दिया सेवेंटी परसेंट पीपल है उसके बाद नेक्स्ट इज फ्रंट लाइन वर्कर्स फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं एंड असिस्टेड हेल्थ डिपार्टमेंट इन कंट्रोलिंग दिस वायरस मतलब जो भी है जिसने भी जैसे भी हेल्प किया है जिसमें सीआरपीएफ है जिसमें म्यूनिसपैलिटी uh, है जिसमें सॉरे एलाइड डिपार्टमेंट्स हैं तो उसकी भी एक लिस्ट है हमारे पास वंस वी कवर्ड डैम ऑल्सो अभी हम ऊपर से आ रहे हैं हाई रिस्क के उसके बाद थर्ड फेज हैज़ कम एज एज अप्रोप्रेट आई हैव ऑलरेडी सेड दैट इट इज़ एज अप्रोप्रेट तो एज अप्रोप्रेट में हम नीचे से नहीं करेंगे फाइव टू टेन टेन टू फिफ्टीन हु इज मोर ससेप्टेबल हु इज मोर एट रिस्क इट इज़ सिक्सटी प्लस उसके बाद फिफ्टी प्लस उसके बाद फोर्टी प्लस मतलब इट इज लाइक दैट तो हमने सिक्सटी प्लस एंड फोर्टी फाइव टू फिफ्टी नाइन एज अप्रोपरेट किया वंस वी कवर दीज टू ब्रैकेट्स, देन वी विल कम डाउन तो ऑटोमेटिकली आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन